पीछे आसिफ भाई ने जितनी वोट बढ़ाए थे बोले आसिफ भाई ये काम कर सकते हैं। खास तौर से देखिए आप ये जो डॉक्यूमेंट ये सबूत हमारे पास होंगे ये तमाम चीजों को हमको शहर को बताना पड़ेगा। ये हम तो समझ जाएंगे लेकिन जब तक उन लोगों तक बात नहीं जाएंगी जिन लोग जो ग्रेजुएट है और वोट नहीं। और ये है कि एनआरसी फिर अमित शाह ने कहा कि एनआरसी हर हाल में लागू होगा। देख लीजिए पेपर अभी तुम जरा ये दो तीन महीने से पढ़े आप तो ये अगर वोट हमारी होगी तो कल हम ये साबित कर सकते हैं कि हम ग्रेजुएट है और हमारी वोट मतदान यादी में है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की यादी। क्या ज्यादा कुछ लगता नहीं फोटो एक आधार कार्ड और अपना डिग्री सर्टिफिकेट पर तीन बातों की जरूरत है ज्यादा। कहता है कि पदवीधर इलेक्शन का लगातार अपन दो महीने से कोशिश कर रहे हैं। आइए इसके दो महीने की जो कोशिश है मालेगांव शहर के अंदर तीसरे सरसों में बताता हूँ मालेगांव शहर के अंदर सिर्फ अभी 1658 वोट रजिस्टर्ड हुई है। 8 लाख की आबादी है 1658 अगर रजिस्टर्ड हो रहे तो समझ के चलोगे आप ये समझ सकते हैं कि सेक्युलर गांव सेक्युलर सब सभी पक्ष का पार्टी हुआ है सर को कामी से बीजेपी से लड़ना है और उसके बाद में अगर 1658 ही वोट अभी रजिस्टर हुई है क्योंकि अभी मैं 327 जो पेटी नंबर है वो मालेगांव शहर की है और सुबह में मैं चेक किया चेक करने के बाद में 1629 वोट थी 627 है और एक में जो है ये ऐसा टोटल मिलाकर जब मैं देखा तो 1600 के करीब वोट आ रही है। हमने वहाँ पर 2000 तक के रजिस्टर के लिए 400 बैलेंस है अभी लेकिन मालेगांव शहर से अभी 1600 अगर वोट है और ग्रेजुएट यहाँ पर 30 से 40 हज़ार है और सेकुलर सिटी है तो ये समझ के चलो कि अपने लोगों को बहुत सारा काम करना है। और इसीलिए साहब मुझे बोले कि पीछे आसिफ भाई ने जितनी वोट बढ़ाए थे बोले आसिफ भाई ये काम कर सकते हैं। खास तौर से देखिए आपने जब उस वक्त कांग्रेस पार्टी में तो कांग्रेस आज कांग्रेस का खुद का भी सर कांग्रेस के हम लोग सब देखते हैं आज पार्टी की बुनियाद पे उस वक्त 8000 करीब वोट हमने रजिस्टर्ड कराए थे आज जो है 1600-1700 वोट के ऊपर ये हो गए। इसलिए मेहनत की जरूरत है सर बोले आसिफ भाई से कोई भी हालत से आसिफ भाई काम कर सकते हैं बोले इसलिए आसिफ भाई की मीटिंग कराओ और आसिफ भाई की तरफ पहले चलो। आमदार डॉक्टर सुधीर दामे साहब सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति भवन पर इस्तकबाल करता हूँ स्वागत करता हूँ हमारे राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी के सभी विंग सभी सभी के पदाधिकारी और शिक्षक संघ के तमाम ही पदाधिकारी और शिक्षक डॉक्टर सुधीर तामे साहब ने और अतीत सर ने आप लोगों को रजिस्ट्रेशन ग्रेजुएट जो लोग नौजवान ग्रेजुएट ये लड़कियां हैं लड़के जो भी ग्रेजुएट हैं उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करने की मुहिम लेकर डॉक्टर साहब मालेगांव शहर और पूरे डिवीज़न का दौरा आप पहले बात समझ लो कई लोगों को सिर्फ विधानसभा का इलेक्शन समझता है कई लोगों को पार्लियामेंट का इलेक्शन और कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हमारे अपने शहर के अंदर कई ऐसे लोग होंगे जो आज भी उन लोगों को पता नहीं है कि विधान परिषद का ग्रेजुएट एमएलसी होता है और शिक्षक एमएलसी भी होता है यानी टीचरों का। नासिक डिवीजन जो हमारा नासिक जिला अहमदनगर जिला धुलिया नंदुरबार और जलगांव ये 5 जिले का इलेक्शन होता है और डॉक्टर साहब पीछे ये तीसरे टर्मों में अभी उम्मीदवारी करेंगे। पहले बाय इलेक्शन के अंदर डॉक्टर साहब ने इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुए और उसके बाद फ्रेश इलेक्शन उन्होंने लड़ा और अभी इनका तीसरा इलेक्शन ये लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और ये 5 जिले के जो ग्रेजुएट जो लोग है उन लोगों की स्पेशल मतदान यादी वोटिंग की यादी तैयार होती है। 5 जिले के जितने ग्रेजुएट हो गए उन लोगों की यादी तैयार होती है वही लोग इसके अंदर वोट दे सकते हैं और वो लोग वोट जो देते हैं उसके लिए एक एमएलसी यानी जो एमएलए होता है इसी तरीके से एमएलसी चुनकर जाते हैं और वो असेंबली के अंदर बैठकर जो ग्रेजुएट लोग के मसाइल है जो शिक्षक लोगों के मसाइल है और जो तालीमी लाइन से जो मसाइल होते हैं जो ग्रेजुएट लोगों के मसाइल को वहां पर उठाने का काम करते हैं। इसके लिए
ये मैं थोड़ी तफसील बता रहा हूँ कि बेदारी हमको कैसे पैदा करना। आज मैं ये मानता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब का आज दो तीन वक्त उन्होंने खाले का वहाँ लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो पाई मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से। लेकिन जब डॉक्टर साहब से मेरी फोन पे दो दिन पहले बात हुई डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे पास अभी भी समय है कि हम लोग मतदान बढ़ा सकते हैं वोट बढ़ा सकते हैं। और डॉक्टर साहब को मैंने तुरंत कहा कि आप आ जाइए और हम लोग मीटिंग करेंगे और मीटिंग के अंदर हम लोगों से जितना वक्त तो बचा है और जितना ज्यादा से ज्यादा हमारे लोगों से हो सके हम लोगों को करना है। मैं आप लोगों से ये अपील करता हूं कि ये इलेक्शन डॉक्टर सुधीर तांबे साहब लड़ रहे ये दो नंबर पर रखिए। एक नंबर पर ये जो राज्य के ये रियासत के महाराष्ट्र के जो हालात आज बन रहे हैं जो सेकुलर पार्टियां मिलकर जो उद्धव ठाकरे साहब को वजीर आला बनाया था मुख्यमंत्री बनाया था और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिरा दिया और एक एजेंडा लेकर चल रहे कि किस तरीके से जातिवाद बढ़े किस तरीके से हिंदू मुस्लिम बढ़े ये मिशन लेकर वो चल रहे और एमएलसी चुनकर जाना अगर तादाद उनकी ज्यादा हो गई विधान परिषद की दो हाउस चलते अगर वहां पर उनकी तादाद बढ़ गई वो ज्यादा हो गए तो बिल वगैरह जो आते हैं जो काला कानून हम जिसको बोलते हैं बार बार हम माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ में तो पार्लियामेंट में भी काले कानून बन रहे विधानसभा में भी बन रहे अलग अलग राज्यों में बन रहे। अभी मैं कल स्टेटमेंट पढ़ रहा था अमित शाह का उन्होंने कहा कि सामान्य नागरिक कायदा के लिए रियासत अपने अपने लेवल के ऊपर डिसीजन ले ले नहीं तो हम जबरदस्ती पार्लियामेंट में ला के लागू कर देंगे। यानी एक तरीके से धमकी देने का काम किया गया और उसका सीधा और सीधा इफेक्ट माइनॉरिटी के ऊपर होने वाला है मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो या अलग अलग समाज के लोगों के ऊपर होने वाला है। तो मैं एकदम साफ अल्फाज में मालेगांव शहर की आवाम से अपील करना चाहता हूं कि डॉक्टर तांबे साहब का इलेक्शन नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी वर्सेस सेकुलर पार्टियों के बीच में ये इलेक्शन है और इसके लिए हम लोगों को तवज्जो देकर ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कैसे हो अपने घर के अंदर भी ग्रेजुएट है अपने घरों के अंदर भी ग्रेजुएट कई बच्चे होंगे उनका आज तक भी नाम नहीं होगा तो तमाम ही लोग इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले थोड़ा वक्त निकाले और रजिस्ट्रेशन करे। हो रही है कि एनआरसी फिर अमित शाह ने कहा कि एनआरसी हर हाल में लागू होगा देख लीजिए पेपर अभी तुम जरा ये दो तीन महीने से पढ़े आप तो ये अगर वोट हमारी होगी तो कल हम ये साबित कर सकते हैं कि हम ग्रेजुएट है और हमारी वोट मतदान यादी में है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की यादी के अंदर है तो ये जो डॉक्यूमेंट ये सबूत हमारे पास होंगे ये तमाम चीजों को हमको शहर को बताना पड़ेगा ये हम तो समझ जाएंगे लेकिन जब तक उन लोगों तक बात नहीं जाएंगी जिन लोग जो ग्रेजुएट है और वोट नहीं बढ़ा रहे तो उन लोगों तक ये बात को हमको ले जाना जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि इस आप जब कन्वेंस करें जब आवाम को बोले जो लोग ग्रेजुएट है उनको तमाम ही बातें बताकर रजिस्ट्रेशन करवाए और इलेक्शन जब आएगा जब हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे लेकिन आज उनको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है और इसके लिए डॉक्टर साहब का यहाँ पर दौरा हुआ। मैं डॉक्टर साहब को इस बात पर यकीन दिलाता हूँ कि जितने भी समय बचा है आप हमको फॉर्म दे के जाइए या अधिकृत सर हमको फॉर्म दे हम कुछ काम ऐसा करते हैं कि सेंटर बना देते हैं हम तुरंत एरिया वाइज और वहां पर हमारे लोग जिम्मेदारी लेंगे हम लोग उसका सोशल मीडिया का भी उसके अंदर वहां पर हमको करना पड़ेगा हमको प्रिंट मीडिया का भी वहां पर करना पड़ेगा और ये और हमारे शिक्षक लोगों का मैं चाहता हूं कि अभी ये इनके भी बहुत समस्या है मैंने इनको बोला था कि डॉक्टर साहब आ रहे आ जाइए। बहरहाल ये जो भी हमारे पास वक्त है हमको ही करना पड़ेगा क्योंकि हल्का बहुत बड़ा है 5 जिला है 5 डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जाना वहां पर मुहिम आगे बढ़ाना 15 दिनों के अंदर काफी वक्त लगेगा लेकिन हम पार्टी की तरफ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी हम लोग अभी आज देते हैं। अभी जैसे कि हमारे अध्यक्ष सर ने आपके सामने जो स्थिति है वो रखी है वो कैसे कि जो ग्रेजुएट काउंसिल का इलेक्शन रहता है ये 5 जिलों का इलेक्शन रहता है और इस 5 जिलों में हमने देखा तो पिछले 2 बार 3 बार वैसे पहले तो ये बाई इलेक्शन था इलेक्शन हुए और तो पहले तो ये काफ़ी साल तक बीजेपी के कब्जे में था लेकिन हम सब ने कोशिश की आप सब ने मदद की सर और इसके कारण हम वो बीजेपी से वो वापस
वापस में पहले की दफ़ा तो बीजेपी से हमने जीत के लिया है, लेकिन अभी इस साल भी वापस इलेक्शन हो रहा है, फरवरी में इलेक्शन है, 1 अक्टूबर से ये ग्रेजुएट का हर साल हर इलेक्शन को नए तौर पे वापस अपना नाम डालना पड़ता है। पिछले इलेक्शन में भरा अपना नाम हो, लोग बोलते हैं कि मैंने पिछले इलेक्शन को वोटिंग किया, तो वो चलता नहीं है। हर इलेक्शन को नए तौर पे वहाँ नाम डालना बहुत जरूरी होता है। अभी देखा जाए तो मालेगांव शहर का, जैसे कि सर ने कहा कि ये बहुत बड़ा शहर है, यहाँ ग्रेजुएटों की संख्या भी कम नहीं, सिर्फ टीचर, अभी यहाँ काफ़ी हमारे टीचर लोग हैं, मैं इनके काफ़ी मसले हल करता हूँ, हमेशा इनकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो सर हम आगे हैं। अभी टीचरों की जो भी अभी साधन नहीं, तो मुझे लगता है कि 2000 तो टीचर होंगे मालेगांव शहर में, सर आप बोल सकते हैं कितने होंगे? मैं तो कम से कम टीचर 450 है, और बाकी के सब पकड़ के लिए डॉक्टर हो तो डॉक्टरों की भी अभी देखा कितने 500 डॉक्टर होंगे ना, 1200 है अभी से मिलता ही क्या टीचर और डॉक्टर, लेकिन हमारी रजिस्ट्रेशन कितना हुआ, जून का 1600 हुए, ये बहुत कम नंबर है। मुझे तो क्या, अगर ये इलेक्शन जीतना है तो हर तहसील से, हर ब्लॉक से, मालेगांव शहर से तो बहुत बड़ी उम्मीद थी हमारे, इसलिए हम अभी हमारे आसिफ भाई, ऋषिक भाई साहब से मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई थी, आसिफ भाई की मुलाकात नहीं हुई, सीधे मैंने आसिफ भाई के पास भाई, अभी वापस एक मौका है, अगले 9-10 दिन में हम अगर कोशिश करते हैं तो ये हो सकता है। अभी ये कैसे करते हैं, मुझे एक लगता है कि भाई खास करके यहाँ टीचर और डॉक्टर हमें अच्छी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग समझ सकते इस ये जो अलग सा मतदार संघ है, इसको समझ सकते कि भाई इसके इसमें कैसा नोंदी करनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए क्या ज़्यादा कुछ लगता नहीं, फ़ोटो, एक आधार कार्ड और अपना डिग्री सर्टिफिकेट, तो 3 बातों की जरूरत है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं लगते हैं। इसलिए मेरी मैं यहाँ खास करके आज आया हूँ इसी आपको विनती करने के लिए कि किसी हालत में हम 10,000 तक पहुँचाना चाहिए, और कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर हम जैसे कि सोचते कि हर टीचर हमारे जो भाई है इन्होंने अगर हर एक ने 10 भी कर दिए तो वो तो 20,000 तक जाएंगे, ठीक है, हम मानते हैं कि भाई सिर्फ 1,000 लोगों ने भी 10-10 किए, या 2,000 लोगों ने 5-5 किए, डॉक्टर लोगों को भी हम डॉक्टर लोगों की भी मीटिंग हुई है, इससे मेरी सबसे विनती है कि 9 तारीख है, उसके बाद शायद मिलेगा, लेकिन 9 तारीख हम पकड़ के चलते हैं, 9 तारीख तक हमको किसी हालत में ये 10,000 तक जाना बहुत जरूरी है। अभी नासिक शहर में 50,000 का रजिस्ट्रेशन है, 50,000 वोट से, अरे हमारा संगम में कितना छोटा है, मेरे गांव में 8,000 हुए हैं, गांव की आबादी 1,00,000 है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए मेरी कर सकते हैं, इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं आपसे सबसे विनती करता हूँ कि आप ये करो, जो भी कुछ आप सिर्फ फॉर्म पे साइन ले लो और डॉक्यूमेंट दो, बाकी सब बातें हम करते, उसका रजिस्ट्रेशन करना सब कुछ हम करते, हमारे अधीक्षक सर है उनसे काफ़ी 2-3 हमारे कार्यकर्ता है वो सब कर लेते, सिर्फ वो फॉर्म पे साइन देने का और डॉक्यूमेंट तो 2 डॉक्यूमेंट और 1 फोटो, बस इतनी 3 बातें हम ऐसे भी कर सकते हैं। अभी हमारे युवा कार्यकर्ता हर घर में जाने का, घर में जाने का भाई कितने लोग हैं, फिर उनके फॉर्म पे साइन देने का, उनके 3 व्हाट्सएप पे तो फोटो भी निकालेंगे मोबाइल पे, वो भी काफ़ी हो जाता है, उनके डॉक्यूमेंट में कोई जेरोक्स करने की जरूरत नहीं कुछ नहीं, या आके हम उसका प्रिंट निकाल के फिर बाकी का जो कुछ है उसको अटेस्टेशन करना, बाकी सब बातें हम कर लेंगे। इसलिए एक ऐसा प्रोग्राम देखो, आज समझो 27 तारीख है, कल 26 तारीख 27, ये 3-4 दिन और 9 दिन, तकरीबन 10 दिन हमारे हाथ में है, अगर 10 दिन हम ऐसी कोशिश करते तो मुझे लगता है मुश्किल बात नहीं है। इसलिए अब साफ आप सबसे आसिफ भाई के जरिए मैं यहाँ विनती करने के लिए आया हूँ, बस यही बात करता हूँ, धन्यवाद।